सीधा रुख करेंगे राजधानी रायपुर की तरफ, तो जानेंगे रायपुर में है हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रविंद्र राजपूत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र। आज कल की बैठक में, दिल्ली में बैठक संपन्न हुई थी कांग्रेस की, जिसमें टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस में कैसा माहौल सामने आ रहा है? राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा देने वाली खबर है। कल रात में जो खबर आई उसको लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो खबरें हैं उसको लेकर पूरे राजनीतिक गलियारों में खलबली सी मच गई है कि विधानसभा चुनाव सामने है और सिर्फ 4 महीने पूर्व अगर ऐसी बड़ी खबर आती है कि कांग्रेस पार्टी से जहाँ पर टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का चेहरा रहता है और उस पर जो बयान सामने आता है टीएस सिंहदेव का कि पार्टी के विचारधीर धारा से वो चुनाव को लड़ेंगे और सीएम चेहरा सीएम भूपेश बघेल ही रहेंगे और 75 पार करने का जो वादा सीएम भूपेश बघेल ने कहा था वो उस पर अमल है। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव पर यहाँ पर एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और टीएस सिंहदेव के कार्यकर्ताओं में उत्सुकता का लहर तो है कि इनके नेता को डिप्टी सीएम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश का और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया। गौरतलब बात यह है कि कुमारी शैलजा भी बैठक में मौजूद थी और सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। अब सोचने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव सर्ज कांग्रेस पार्टी को जो अंसा और विपक्ष जो पार्टी जो आरोप लगा दी थी कि बीच मतधार में नैया फंसी है कांग्रेस पार्टी की, वो अब क्या होगा? लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि भाजपा के इन जो बयान और आरोप लगाए थे अब उनके बयानों पर कांग्रेस की पार्टी क्या प्रतिक्रिया देती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बातें जो सामने आ रही थी बीच में आ ये भी सुनने को मिला था कि सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में कुछ दूरियां और अनबन चल रही है कुछ राजनीतिक पार्टी मुद्दों को लेकर। लेकिन ऐसे में अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और प्रदेश की बागडोर कमान में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेते हुए बहुत सारे चीजें परिवर्तन हो सकती है। रणनीति बदलने बात आ रहा था कि कहीं ना कहीं सीट बिगड़ सकती है सरगुजा संभाग, लेकिन अब वो डैमेज कंट्रोल का काम अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई कल की मीटिंग की बैठक में ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा सरगुजा विधानसभा को लेकर किया गया बड़ा फैसला रहेगा कि उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद वहां की सीटें में कितना परिवर्तन आता है, सीडियो के काम में कितना परिवर्तन आता है और उनके कार्यकर्ताओं में जो जोश अभी नया जगह है। आज एयरपोर्ट में उनका स्वागत हुआ, जिस प्रकार से स्वागत हुआ उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला अपने नेता को लेते हुए। तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट में मौजूद थे, पूरे अलग पत्रकार भी वहां मौजूद थे और उनके बयानों का इंतजार करते, लेकिन साफ तौर पर उन्हें कह दिया कि 75 पार का जो वादा सीएम भूपेश बघेल और उनके केंद्रीय के नेता ने कहा है पूरे उस पर अमल है और उसी हिसाब से पार्टी के समय काम करेंगे। तो ये रही कि पूरे सीएम को मुख्यमंत्री बनने की पूरी जो कथा है जिसको लेकर आपने सवाल कार्यकर्ताओं की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए बड़ी बात है कि जहां पर आरोप लगाते थे कि टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल के बीच की अलबन की, उसको लेकर अरुण पाव का बयान भी आया। उन्होंने कहा जहां बात ढाई साल के सीएम की थी अब केवल 4 ही महीने बचे हुए हैं, 4 ही महीने बचे हुए ऐसे में उन्हें सीएम बनाना ये कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव का अपमान है। नारायण चंदेल ने भी कहा कि ये गलत हुआ है जिस प्रकार से उनको छलावा करके 4 महीने के लिए सीएम बनाया, केवल लेकिन ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, इस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा ऐसा अगर आप पूछे राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर जो डैमेज कंट्रोल का काम पहले कांग्रेस से कर चुका है उसकी जो कहीं ना कहीं जो योगदान हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का हुआ है, तो यहाँ पर बयानबाजी तो रहेगा। अरुण पाल चाहे लगातार वो बयान देते रहे कि ये गलत हुआ है, राज्यपाल को अधिकार रहता है उप मुख्यमंत्री बनाने का, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को बिना संदेह के अगर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के हित के लिए रहेगा और आने वाले 4 महीने वो अच्छा काम प्रदर्शन करके जरूर दिखाएंगे। जी जी रेवेंद्र, आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो राजधानी रायपुर में अपराधियों का हौसला बुलंद हो चुका है, चाहे वो बात आरंग क्षेत्र थाना क्षेत्र की हो चाहे राजधानी रायपुर के तेलीबाना थाना क्षेत्र की। चोरी की घटना आज राजधानी रायपुर में आम हो गई। शिक्षक घर में
चुने शिक्षक के चुने मकान में लाखों रुपए के गहने और जेवरात को चुराकर एक चोर ने अंजाम दिया घटना को। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। आरंग थाने के थानेदार ने इस मामले की पूरी जानकारी स्पष्ट की है और मामले की खोजबीन जारी है। कहा जा रहा है कि घर में कोई नहीं था और जिस प्रकार से दीवार को फांदकर चोरों ने उनके घर में अलमारी तोड़कर उनके लाखों रुपए के जेवरात को चुरा लिया गया, ये एक चिंता का विषय है क्योंकि राजधानी में खुले और ये घटना दिन की है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि राजधानी में चोरी की घटना रात या शाम के बाद भी अंजाम होती है, लेकिन दिन दहाड़े ये घटना हुई है और लाखों रुपए के जेवरात को चुरा लिया गया है। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं, अभी एक बड़ा मामला आया था ईडी को लेकर। ईडी के अधिकारी बनकर दो आरोपियों ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों से ठगी की है, लगभग 10 से 12 लाख रुपए की ठगी की है। केवल जिस प्रकार से अभी बीजेपी द्वारा और कांग्रेस द्वारा जो बयानबाजी कर रहा था ईडी के मामले को लेकर, उसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने ऐसा काम किया है कि ईडी के अधिकारी बनकर अधिकारियों को उन्होंने ऑनलाइन एक फेक नंबर से फोन किया, उन्हें डराया और धमकाया और उनके घर में ईडी के छापे पड़ने के बारे में उनकी जानकारी दी, जिससे वो कर्मचारी हड़बड़ा गए और उनके बातों को मानने लगे। फिर उसने पैसे की मांग की, पैसे की मांग करने पर उनकी मांग जो बढ़ने लगी थी, 5 लाख रुपए शुरू में मांग की थी, अब उसे 10 से 12 लाख रुपए मांग करने लगे, जिसके कारण एक अधिकारी को उन पर शक हुआ और उन्होंने पास के थाना में उन्होंने कंप्लेन किया था, जिसके कारण राखी थाना द्वारा कंप्लेन को लिया गया और इसके तहत कार्रवाई की। इसको लेकर रायपुर के नीरज चंद्राकर रायपुर ग्रामीण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी थी, जिसमें लगातार शहर में बढ़ रहे और पूरे प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन चाहे ठगी हो चाहे वो ऑफलाइन ठगी हो, सभी प्रकार के ठगियों को देखते हुए कड़े निर्देश दिए हैं कि ऐसे ठगियों पर तुरंत कार्रवाई करें और कोई सूचना अगर मिलती है तत्काल पुलिस को कार्रवाई को सूचित करें। जी रविंद्र, मौसम को लेकर क्या अपडेट्स है? अभी कुछ दिनों पहले काफी बारिश हो रही थी और अब कल से धूप आ रही है, तो मौसम को लेकर मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार मैं पिछले बता दूं कि पिछले 28, 29 और 30 तारीख को मौसम में हल्की परिवर्तन की आशंका मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताई थी। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने साफ तौर पर कहा था कि अभी मौसम बीच में थोड़ा डीले होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें तो मानसून 26-27 दो दिन काफी पानी भरा रहा रायपुर के लिए और प्रदेश के लिए, अलग अलग जिलों में तेज बारिश भी हुई थी, मौसम काफी ठंडा हो गया था। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो आज कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा गर्म है, सूरज निकला है, सुबह से बारिश नहीं हुई है, कल भी बारिश नहीं हुई, अब वो 35 डिग्री पहुंच चुका है और पूरे प्रदेश में थोड़ा कहीं ना कहीं गर्मी का असर अब दिखने लगा है और कल और आज के डेट में कहीं ना कहीं 4 से 5 डिग्री का फर्क आया है, जो क्योंकि मौसम विभाग ने जानकारी स्पष्ट कराया था कि मौसम हल्का परिवर्तन हो सकता है, पानी गिरने के आसार है, लेकिन अभी तक पानी गिरी नहीं है, कल भी पानी नहीं गिरा था और आज बड़ी धूप निकली है। जी रविंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।